अरे तुम लोग इस तरह अचानक, अब कैसी तबीयत है मेरी प्यारी सी भाभी की? आप इतनी इज्जत ना दिया करें मुझे, आप इसके काबिल नहीं हो। मुझे माफ कर। अरे ये क्या कर रही हो? आपा ये जो कर रही है इसे करने दीजिए। शायद इसी तरह इसकी गुनाहों की माफी से मिल जाए। इसने हमेशा आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस को झूठा समझा, जबकि ये खुद अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम शची? और प्लीज आज के बाद मेरी भाभी के लिए ऐसी बात मत करना। शची बिल्कुल ठीक कह रहे। मैंने आप दोनों को अलग कर दिया, आपके खुलूस पे हमेशा शक किया। शायद इसी की सजा मिली है मुझे कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या क्या कह रही हो? ये यही सच है। आप डॉक्टर्स यही कहते हैं। आपा हो सके तो मुझे माफ कर दे। इससे मेरी गोद तो कभी नहीं भरेगी, लेकिन मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। किसने कहा? किसने कहा कि तुम्हारी गोद नहीं भर सकती? ये लो मेरा बच्चा, इसे मां बनकर पालो, मुझे खुशी हो। नहीं आपा, ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी भर हर कीमती चीज आपने हमें दी है, और आज इतनी बड़ी कुर्बानी अब हम नहीं ले सकते। आप नहीं ले सकते। शची, तुम मेरे बेटे हो, और कोई भी माँ अपने बेटे का घर सोना नहीं देख सकती। इसलिए आज से मेरा बच्चा तुम लोगों का ये सोनापन दूर करेगा। और इसी में मेरी खुशी है। यूनुस भाई, मैं जरूरतमंद हूँ पर हाथ फैलाया नहीं। धूप है सर पे कड़ी पर फूल मुरझाया नहीं। कांपते हाथों में अपना हाथ देने आ गए। मुश्किलों में तुम जो मेरा साथ देने आ गए। शुक्र करते आंसुओं ने देख ली है इंतहा। बेबसों की बेबसी सबको